देखें जी, एडवांस होगा 20,000 और किराया होगा महाना 1,00,000। जी क्या? इनका मतलब है कि एडवांस होगा 1,00,000 और किराया होगा 20,000। किराया कुछ कम नहीं हो सकता? जी नहीं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना तो आप कोई और घर देख लो। प्लीज किराया कुछ कम कर लें। हाँ कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जी नहीं, मैंने एक बार कह दिया ना, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप दूसरा घर देख लें तो देख लें प्लीज। देखिए हम 15,000 रुपए दे सकते हैं, अगर आपको कबूल है तो बताएं। आपने मेरे इतने खूबसूरत घर के सिर्फ 15,000 रुपए लगाए हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मेरी तरफ से डन ही समझे। आमिर, मर्दों की बातों में नहीं बोलते। लाइए जी एडवांस और किराया दीजिए। ये आप 15,000 रुपए किराया रखें और 1,00,000 रुपए हम आपको सामान शिफ्ट करने के बाद देंगे। चलें ठीक है जी, मेहरबानी। इजाजत दीजिए, अब हम सामान शिफ्ट कर सकते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि कल शिफ्ट होने के बाद फौरन 1,00,000 रुपया एडवांस भी आपने देना है। जी हमें फिर इजाजत है। जी प्लीज प्लीज चलिए, आइए आइए। मैं छोड़ दिया। एक्सक्यूज मी जी, ये हमारा कमरा जरा अच्छे तरीके से साफ करवा दीजिएगा। क्या नाम है आपका? असद। असद साहब, ये मैंने आपको बताया ये स्टोर है। हाँ। ये स्टोर है जी। ये स्टोर है जी। ये क्या है? स्टोर है जी। थैंक यू, कल थैंक यू इंशाल्लाह कल बना चाहता हूँ। ये बात में ये स्टोर है जी। जी स्टोर स्टोर है स्टोर स्टोर। ये देखो पैसे आना शुरू हो गए हैं। तुम थोड़ी बहस तो कर लेते उनसे, हो सकता था वो 2-3 हज़ार ज्यादा ही मान जाते। ओहो, लालच बुरी बला है, अगर वो ना मानते ये भी हाथ से चले जाते। हाँ बात तो ठीक है, आमिर मैं शॉपिंग के लिए चली जाऊँ? खबरदार, तमाम शॉपिंग बेगमा की पहुंच से दूर रखें। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो अपनी अम्मी से रुजू करें, उनसे लेके आओ। आमिर जब हम छोटे थे उस वक्त बाई दा वे था, अब हम इतने बड़े हो गए तो हम तेई दा वे नहीं होगा। अच्छा खैर बताएं, कौन से क्लाइंट? यहाँ तो कोई नहीं आया भाई। अभी ये जो लड़की और लड़का अंदर गए, यूं करके टर वो यूं गए और मैं यूं करके तुम्हारे पास आ गया। ये ओहो, वो तो डॉक्टर साहब हमारे किराएदार हैं। वो ही तो मेरे क्लाइंट है। देखो कभी ना कभी तो बीमार होंगे ही ना। खबरदार खबरदार, अगर आपने उनका इलाज करने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से वो हमें मिले हैं। यार परेशान ना हो, तुमको तुम्हारा कमीशन मिल जाएगा। जैसे पलापटी डील वाले से 2%, मैं तुमको 3% दूंगा। देंगे ना? हाँ। चले ठीक है। हाँ। चले किधर? चले चले देखे बात सुने, बात इधर चले, इधर चले। नहीं नहीं देखिए आप मेरा खाना, आप इधर चले। अच्छा दर्शक चले चाय पिला दे। ओ वो देखे क्या है जी, तशरीफ रखिए जी, फरमाइए जी। जनाब ये रहा एग्रीमेंट, अब इसमें साइन कर दीजिए। इसमें लिखा क्या है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एग्रीमेंट के मुताबिक 3 साल से पहले आप हमें इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते। 3 साल? ठीक है ठीक है। और अगर 3 साल से पहले आपने हमें इस घर से बाहर निकाला तो आपको एडवांस डबल देना पड़ेगा। है? ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए हम चाहते हैं कि हम लंबे अरसे तक इस घर में रहें, और ये शहर तो ब्राय नाम है। आई होप कि आप दोनों माइंड नहीं करेंगे, है ना? जी जी। तो फिर करें ना साइन जी। ओहो, पहले एग्रीमेंट तो पढ़ लो। पढ़ भी लेते हैं भाई। ठीक है, कोई खास बात नहीं है, ठीक ही है, बस कबूल है कबूल है कबूल है। थैंक यू। आपने अभी तक एडवांस नहीं दिया हमें। अरे हम लोग आ गए हैं तो एडवांस भी आ ही जाएगा। नहीं जी नहीं, देखें एडवांस फिर एडवांस ही होता है। देखें अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए जी। हाँ जी,
इधर डालें। Yes, darling. अपने नए घर की पहली चाय नहीं पिलाएंगे? Why not? Come on. Excuse me. आमिर, ये लोग एडवांस तो दे देंगे ना? हाँ हाँ, क्या हो गया? फिक्र क्यों करती हूँ, मैं हूँ ना। हाँ, तुम हो, यही तो परेशानी है। जब स्मूथ, रिच और क्रीमी मिल्क चॉकलेट मिल जाए डिलिशियस नट बटर स्कॉच और क्रंची राइस क्रिस्पीज के साथ, तो बने। असर, आज आपने ऑफिस जाने में देरी कर दी। हाँ यार, वो रात की शिफ्ट से मैं बहुत थक गया था, इसलिए आंख जरा देर से खुली। लेकिन ऑफिस से जल्दी घर आ जाइएगा। क्यों, आज कोई खास बात है? असर, बात तो कोई नहीं है खास, बस मैं सोच रही थी कि जरा मॉम की तरफ से चक्कर लगाऊं, काफी दिन हो गए मैं उनकी तरफ गई नहीं। मेरी जिंदगी में सिवाय तशद्दुद के और कुछ भी नहीं। अब आई मीन, ठीक है, मॉम की तरफ चले जाएंगे, जरूर जाएंगे। वैसे अभी मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, मेरे ख्याल चाय मैं ऑफिस में जाकर पीऊंगा। ठीक है, ठीक है। सोचो इन लोगों से एडवांस कैसे निकालें। हाँ, सोच रही हूँ, चलो सोचते हैं। चलो। ओहो आमिर, क्यों मेरे रास्ते में आ रहे हो? तुम आ रही हो रास्ते में, इधर। अच्छा चलो, ऐसे चलो। हाँ, यहाँ से आ लेती हूँ। ओहो, तुम रास्ते में आ जाती हो, मेरी सोच खराब हो जाती है भाई। सालिकम, सालिकम, सालिकम। वालेकुम सलाम। ये आप हमारे घर के चक्कर क्यों काट रहे हैं? तुम दोनों को देखकर, चक्कर तो तुमने मुझे दिए, ये चक्कर पे चक्कर, घन चक्कर, ये दोनों मियां बीवी क्या सत्ते पर सत्ता खेल रहे हैं? ओहो डॉक्टर साहब, क्या बताएं। डॉक्टर साहब, आपको मरीज चाहिए? मरीज? यकीन करना, ये खुशखबरी मैं 4 महीने बाद सुन रहा हूं। कहां? अंदर कमरे में। आखिर नायक इरादा को मेरी जरूरत पड़ी गई ना। हाँ, सुनो, ये होता फायदा पड़ोस में डॉक्टर होने का। डॉक्टर साहब, बातों का वक्त नहीं है, एमरजेंसी है, जल्दी जाइए, उन्हें चेक करें, तबीयत बहुत खराब है। एमरजेंसी? हाँ हाँ, वही है। हाँ हाँ, ये क्या, तुमने पागल इंसान को उनके कमरे में भेज दिया है? अब मैं देखता हूँ कि कैसे नहीं देते वो एडवांस। क्या एडवांस? जी। ओह, तुम्हारा मतलब है कि ये। अब समझियो ना, जब तक ये एडवांस नहीं देंगे, मैं रोज डॉक्टर को इनके पास भेजूंगा। वेरी गुड।